सो गाइस दोबारा आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। एंड पिछली वीडियो में हमने यूज ग्राफिक कार्ड कवर करे थे, इस वीडियो में कुछ यूज पावर सप्लाई कवर करने वाले हैं एंड न्यू पावर सप्लाई एंड जो माइनिंग पावर सप्लाई आती है, ब्रांडिंग नॉन ब्रांडिंग एंड बोर्ड हम कवर करेंगे, SSD हम कवर करेंगे, राइजर केबल कवर करेंगे एंड इसके अलावा यहाँ पर राइजरलेस बोर्ड एंड पूरा केस इसको प्रयोग कवर करेंगे एंड। लेकिन यहाँ पर पहले बात करते हैं भैया से। तो भैया क्या हाल आपके? एकदम बढ़िया है, तुम कैसे हो? बैक टू बैक भैया फार्म कवर कर लिया, यूज ग्राफिक कार्ड। अच्छी बात है यार, एकदम बेस्ट सामान जाना चाहिए अपनी कम्युनिटी के पास, ठीक है? बेस्ट सामान, बेस्ट नॉलेज, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। लोगों को जो यूज ग्राफिक कार्ड की वीडियो थी वो सच में काफी अच्छी लगी थी, काफी अच्छे अच्छे कमेंट थे, मैं नीचे पढ़े तो काफी अच्छे पॉजिटिव चीजें लिखी। अब देखो एक आध दो तो नेगेटिव लिख ही देते हैं कि भैया क्या है ये वो। देखो हर चीज हर एक को सूट नहीं होगी, जिसको सूट हो रहा है मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं हो रहा है यार लेट मी नो ना कि कहाँ गलती हो रही है हमसे भी, नो प्रॉब्लम यार। ओके तो गाइस देखो यहाँ पर हम सब चीज कवर करने वाले हैं, नीचे टाइमलाइन दे रखे, आप उनको फॉलो करके अपना मनपसंद चीज देख सकते हो। यूज पावर सप्लाई ऐसे रेट है, बहुत अच्छे रेट, नई पावर सप्लाई जो कि देखो सील पैक है बिल्कुल, इसका भी अमेजोन से 25-30% सस्ती होगी, वारंटी पूरी 10 ईयर। एंड सेम यहाँ पर भी ये जो बोर्ड है बहुत अच्छे रेट में मिलेगा, जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे आई थिंक 6-7 हज़ार रुपये, एंड उसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हम कवर कर चुके फिर भी एक बार और बता देंगे अच्छे से, आप देख भी लोगों की पिछली बार हमने दिखाया नहीं था इतने अच्छे से, इस बार दिखा भी देंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो। सो भैया कहाँ से स्टार्ट करें आप? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको परचेज करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनमें से जो भी कुछ पसंद आ रहा है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं जिसका लिंक हमारे भाई आदित्य भाई डाल देंगे वीडियो पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट्स मिलते रहेगा कि क्या नया सामान हम ला रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्राइस रहती है एकदम बेस्ट प्राइस रहती है, इसके आगे रीसेलर्स के हाथ में जाता है, वो प्रॉफिट रख के आपको बेचेगा, ठीक है? तो आप नहीं तो व्हाट्सअप कर लो और नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करो, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि जो पावर सप्लाई यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं उसमें क्वांटिटी अवेलेबल है, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर 650 वोल्ट कितनी सारी अवेलेबल है, तो अगर किसी क्वांटिटी चाहिए तो नो डाउट क्वांटिटी मिल जाएगी बहुत आराम से, सेम बोर्ड में भी, सेम सर्वर केसेस में भी। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं एंड कवर करते हैं पावर सप्लाई, उसके बाद जाएंगे बोर्ड पर एंड लास्ट में राइजरलेस बोर्ड, हर एक की जो स्पेशलिटी है वो भी हम उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी भैया स्टार्टिंग कहाँ से होने वाले आपके पास पावर सप्लाई की? ये सबसे बेसिक पावर सप्लाई है 650 वाट, कॉर्सियर। जब 650 वाट आता है इसमें CB650, VS 10 तरीके का मॉडल है, आप इसको VS650 से कंपेयर करो, ठीक है? और ये इसमें आप दो कार्ड आराम से चला लोगे, अगर माइनिंग करनी है तो आपका बड़ा 3090 भी इसमें चल जाएगा आराम से। हाँ, और अगर सिंगल चलाना हो तो 3090 बड़ा आराम से। कंडीशन दिखा दो, ठीक है? आपके सामने डब्बे से निकाला है, कोई सफाई का काम नहीं है, आप देख लो कंडीशन देख लो। देखो मैं चारों तरफ थोड़ा सा दिखा देता हूँ एंड ये मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ एंड इसकी एक बार मैं केबल भी दिखा देता हूँ, ये इसकी ऐसी केबल रहने वाली है बिल्कुल, कोई डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ना कोई कहीं से कटी पटी ऐसा कुछ भी है, बिल्कुल अच्छी ब्रांडेड में होगी, ठीक है? एंड हाँ सील भी लगी है, सील ब्रोकन नहीं है, तो हो सकता है रेयर चांस कोई किसी वारंटी मिल जाए। बाकी भैया प्राइस क्या होगी इसकी कॉर्सियर की 650? इसकी 2500 2500 की होने वाली है। ओके ये ऐसे आएगी आपको, जब आपको रिसीव होगा आपको ऐसे डब्बे में, अच्छा बॉक्स के साथ मिलेगी, बॉक्स के साथ, बॉक्स भी एकदम नीट भाई, बॉक्स ब्रांड न्यू कंडीशन आप बोलो, और खोली वोली कुछ भी नहीं, अगर आप देखो सील भी लग रही है एंड 2500 की होने वाली 650 डेफिनेटली। ओके बाकी भैया इसमें टेस्टिंग वारंटी कितनी मिलेगी? 1 वीक 7 डेज, 7 डेज रिसीव होने के बाद। एंड इसके बाद आपका आता है एनटेक 750 वॉट, ये भी सेम ऐसी बिल्कुल मस्त कंडीशन, बिल्कुल आप देख सकते हो फैन पर कोई धूल नहीं, साइड से एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक तो पावर सप्लाई भी काफ़ी भारी रहती है ये 750, एंड केबल में भी एक बार दिखा दूँ, लोग केबल के लिए कहेंगे भैया इतने पुराने क्या, देखो बिल्कुल नए जैसी पावर सप्लाई लगेगी, मतलब भैया के पास तो आप ये भूल जाओ कि पुराना होगा, डस्ट होगा, इतनी गंदी होगी, कोई दिक्कत आएगी तो क्या होगा, भैया अच्छे सपोर्ट देंगे। तो बिल्कुल न्यू कंडीशन रहने वाली है यहाँ पर एनटेक की 750 वॉट, बिल्कुल आप देख लो। एंड भैया प्राइस आप बता दो 750 एनटेक की क्या प्राइस होने वाली है? ये एनटेक का 750 गोल्ड रेटेड, गोल्ड इसमें आपको ब्रोंज, वाइट सब मिल जाएगा, सिल्वर। ये गोल्ड रेटेड है, इसमें 6 PCIe पोर्ट है, अगर आप माइनिंग भी करना चाहते हो 1660 सुपर, 6600 XT ऐसे बेसिक कार्ड से आराम से चल जाएगा, ये कोई बर्न वन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको पड़ जाएगी 3500 की, 3500 750 80+ गोल्ड जी, गोल्ड। एंड ब्रॉन्ज में ले?
ब्रॉन्ज में हमारे पास नहीं, हम जो बेस्ट सामान है वही रखेंगे। ओके ओके, ब्रॉन्ज में नहीं है, ये गोल्ड में है। एंड इसके बाद अगर बात की जाए, अभी आई थिंक 850 आपके पास है नहीं, बट क्या रेट मिलता है आपके पास 850 वॉट? यार 850 में प्रेफर नहीं करूंगा, अगर आप 850 के लिए जा रहे हो तो बेटर आप 1000 वॉट जाओ। अच्छा, मतलब 750 वॉट के पास सीधा 1000 पे चले जाओ। तो 1000 में कवर करते हैं। दो ब्रांड सबसे ज्यादा फेमस है, एक तो कूलर मास्टर और एक कॉर्सियर। तो किस पे भैया पहले बात करते हैं? आप कॉर्सियर पे बात कर लो। कॉर्सियर पे पहले एक बार कंडीशन दिखा दो। कंडीशन आपके सामने निकालिए, कोई सफाई का चमकाई का कुछ काम नहीं है इतना, जबकि है ये यूज, लेकिन लगेगी नहीं यूज है ये, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे न्यू हो। देख लीजिए, देखो वारंटी अवेलेबल है इस पे पूरी, ऑलमोस्ट फैन देख लीजिए, फैन दिखाइए। अगर मेरे को ये फैन साफ करना रहेगा तो मेरे को सील खोलनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, अंदर कोई डस्ट दिख रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं है गाइस, तो आप खुद देख लो, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। ठीक है, आप सही लोगों से खरीदो, आपको सही चीज मिलेगी। हम इतना मतलब पैसा नया ही समझो, 10 साल की भैया वारंटी है, कोई कस्टमर मतलब कोई भी किस कितने यूज कर लेगा, 3-4 आप आराम से इसको अभी और 7-8 साल यूज कर लो, 7-8 साल की तो वारंटी बच भी रही होगी इसकी। तो ठीक है, बाकी भैया ऑलमोस्ट इसे न्यू ही समझो, बाकी इसकी क्या प्राइस रहती है? ये आपको पड़ जाएगा 10,000 रुपए। 10,000 का नया लोग बताए थे, 15-16 का चल रहा है। ये पूरे बॉक्स में मिलेगा आपको, पूरे बॉक्स में मिलेगा। पावर सप्लाई के भी सारे बॉक्सेस हैं, सबके बॉक्स। ये नहीं कि आपको बांध दिया और भेज दिया या बबल रैप में लपेट दिया, वैसे काम करना ही नहीं है। अगर इन केस मान लो कि लास्ट के एक दो पीस के बॉक्सेस डैमेज है या नहीं, ऊपर पहले बता दिया जाएगा भाई, जो भी है। हाँ। ये नहीं आपको सरप्राइज मिले नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंक्वायरी कर दी जाएगी। बाकी 95-99% चांस है कि बॉक्स मिल ही जाए। 99% हर चीज के बॉक्स है यहाँ पे, हर चीज के बॉक्स है। ओके, तो मतलब बॉक्स के साथ मिल जाएगा, प्रॉपर केबल मिल जाएगी। एंड इसके बाद अगर बात की जाए, ये कूलर मास्टर आई थिंक ये जो पावर सप्लाई है ऑनलाइन अमेजोन पर अगर आप देखोगे तो 16-17 हज़ार के चलते हैं। 1050 वॉट V2 फुल्ली मॉड्यूलर कूलर मास्टर, 10 ईयर वारंटी, और देखो सील पैक है, तो मतलब 10 साल की पूरी मिलने वाली, बिल्कुल न्यू पावर सप्लाई है। एंड इसका रेट भैया क्या होगा? 16,000 ऑफलाइन, मतलब अगर नेहरू प्लेस से भी कहीं से भी लेते हो 15,000 की मिलती है। आपके पास क्या रेट? 13,000 में आप ले दो। 13,000 में, मतलब 2,000 रुपये और कम करके दे दोगे आप, 13,000 रुपये में आप ले सकते हो। नेहरू प्लेस की भी प्राइस बीट कर रहा हूँ मैं। वाह भैया ऐसा मत करो, मैं वहाँ कवर करूँगा। भाई करना पड़ेगा यार, अब माइनिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गेमिंग कम्युनिटी को भी बेस्ट चीज मिले। बिल्कुल भैया, बाकी 13,000 रुपए में 1000 वॉट, वो भी कूलर मास्टर की तरफ से 1050 वॉट। हाँ 1050 वॉट, और वर्जन 2 लेटेस्ट है, फुल्ली मॉड्यूलर, 80+ गोल्ड, 10 ईयर वारंटी, 10 ईयर वारंटी, पूरी वारंटी मिलेगी। मतलब कॉर्सेयर और कूलर मास्टर में वारंटी आप पूरी ही समझो, ऐसा समझो, खराब भी नहीं होती इजीली। आप आई थिंक कितना चला लोगे? 5-8 साल, ज़्यादातर मेजोरिटी 5 साल ही चलाते हैं, कोई एक आध होगा जो 6-7-8 साल चला ले। तो ये तो होगी गाइज पावर सप्लाई। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पावर सप्लाई हमने यहाँ पर कुछ थोड़ी ही दिखाई है, इनके पास और भी आते रहते, उसके लिए आपको इनका डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक है, ये वहाँ पर डालते रहते हैं क्वांटिटी ऑफ पावर सप्लाई, तो बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड अगर कोई B2B या B2C मतलब बल्क में लेना चाहता है, कोई शॉपकीपर कोई रीसेलर है, तो वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें, रेट और अच्छे मिलेंगे। अफकोर्स भाई कोई 50 पीस 10 पीस ले रहा है तो अच्छा रेट मिलेगा उसके लिए, बाकी जो सिंगल ले रहे हैं उनके लिए तो अच्छा रेट है। सील पैक मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, कोई नहीं ला रहा है इतना इंडिया में। ठीक है, बिटमैन, अगर मान लो आपने मुश्किल से बिटमैन की तो पावर सप्लाई, आई थिंक एसिक की पावर सप्लाई बहुत बड़ा नाम है एसिक में, ये तो। पावर सप्लाई इतनी पावरफुल रहती है, आप इस पे एसिक माइनर चला लेते हो। हाँ हाँ ठीक है, आप इनसे ग्राफिक कार्ड भी चला सकते हो। हाँ ठीक है, ब्रांड न्यू पावर सप्लाई, कितने वॉट है भैया ये? 1600 वॉट की APW 3++ लेटेस्ट जो भी आता है इनका, लेटेस्ट 1600 वॉट जी। इसकी क्या प्राइस होगी? ये आपको पड़ जाएगा 13,000 रुपए, 13,000 रुपए की 1600 वॉट ब्रांड न्यू। इसमें आपको यूज भी मिल जाएगा, उसका थोड़ा 1000-2000 कम हो जाएगा। अगर 13,000 भी इन द ऐसी कंडीशन में यार, तो आप ऐसा कोई आपको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, मतलब ऐसी कंडीशन में होगी कि लगेगा ही नहीं कोई यूज है। और ये हमारे 1400 वॉट की है, ये 1400 भैया, उसकी प्राइस रहेगी, प्राइस तो आपने कवर कर ली 13,000, अगर कोई वैसे यूज में होगा तो 12-11-10 तक मिल सकती है। एंड वारंटी भैया मुझे बता दीजिए, वारंटी हम इसकी 1 मंथ हमारी तरफ से दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम है रिप्लेसमेंट। ओके ओके, 1 महीना आपकी तरफ से। एंड ये 1400 वॉट आप देख सकते हो, ये सब प्लैटिनम रेटेड है। अच्छा ये यूज में है शायद, एंड इसमें आई थिंक कितने कार्ड चल सकते हैं? 4-5 ये 10 कार्ड के पीछे पोर्ट्स हैं, 10 कार्ड के स्प्लिटर लगा के 10, बिना स्प्लिटर के 10। अच्छा बिना स्प्लिटर के 10 चल जाएंगे, इसमें स्प्लिटर लगा लो 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कितने वॉट है? 1400 वॉट। क्या प्राइस होगी भैया इसकी? ये आपको 11,000 पड़ेगी, 1100 रुपए की पड़ेगी। एंड वारंटी इसमें? ये वारंटी वही 1 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी। ओके रिप्लेसमेंट वारंटी 1 मंथ। एंड इसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पर बोर्ड, मदरबोर्ड हमारे पास काफी पड़े हैं, आप एक एक मदरबोर्ड हमने टेस्ट भी कर रखा है पूरा लगा के। तो भैया एक चीज में बताइए, यूज है न्यू है? ये यूज हुए हैं, यूज। ओके यूज नहीं तो एक्स्ट्रा स्टॉक वाले जो हमने एक्स्ट्रा स्टॉक रखे काम नहीं आए, तो वो अभी
सेल हो जाएंगे। ओके हाँ देखो भैया गाइस कंडीशन तो आप देख लो, यूज़ लगेगा नहीं लगेगा न्यू, लेकिन होगा यूज़। देखो झूठ बोल के नहीं बोले बेचा जाएगा, आप देख सकते हो, आप कह ही नहीं सकते कि यूज़। आप ऊपर से देख लो अल्ट्रा ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एंड ऊपर से नीचे तक जाओगे बिल्कुल आपको न्यू लगेगा, पीछे से भी आप देख सकते हो। और बाकी देखो भैया इसमें एक अल्टरनेट ऑप्शन देख लेते हो जो क्या रेट पड़ता है। जैसे B450 लोगे 10,000 का, प्रोसेसर उसका 6,000 का, रैम उसमें आ जाती 2,000 का, तो पूरा कॉम्बो बैठ जाता है 18,000 का। 6, 2, 10 18,000 कॉम्बो बैठ जाता है, ये क्या रेट होगा पूरा कॉम्बो? ये आपको पड़ जाएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में 18,000-10,000 मतलब आधे का डिफरेंस है पूरा। एंड इसमें वारंटी कितनी होगी? ये वारंटी इसका वही 1 वीक टेस्टिंग वारंटी, 1 वीक। एंड गाइस खुद देखो चली हुई नहीं है ज़्यादा, अगर चली होती तो भैया कंडीशन से ही पता चल जाता, ऑलमोस्ट कुछ ही टाइम पुरानी होगी। एंड हाँ एक चीज़, खाली बोर्ड नहीं, इसका मतलब बोर्ड तो है और बॉक्स इसके साथ मिलेगी प्रॉपर ही है जी, तो और गीगाबाइट कंपनी है आप जानते हो बहुत अच्छे से। और इसके बाद अगर बात करिए तो पूरा कॉम्बो हो गया। एंड कुछ लोग कहते हैं कि पेन ड्राइव की जगह में SSD यूज़ करनी चाहिए, तो यहाँ पर SSD मिल जाएगी। एंड ये खासकर माइनिंग के लिए है, 64GB है। तो भैया क्या रेट है ये आप सिंगल लोगे तो 750 रुपीज़, 750 वॉट है सिंगल। ओके एंड राइजर केबल बता दो, ये आप 6 ले लो 2000 में, 6 ले लो 2000 मतलब वही 3,030 रुपये का पड़ा। ये अगर आप ये सारा ले रहे हो तो 12,500 कर दूंगा, 12.5 में एक SSD भी, बोर्ड भी, बोर्ड एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा। अच्छा ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा, 6 राइजर केबल, 6 राइजर बोर्ड प्रोसेसर रैम सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना बस कार्ड लगाना है। अच्छा 13,000-12,500 में सब चीज एंड एक पावर सप्लाई ले लो, ऑलमोस्ट 20,000 में आपकी पूरा पूरा हो जाएगा और कंडीशन इवन। हाँ 20,000 में आपको तैयार है, 6 कार्ड अब यूज ले लो तो और सस्ते पड़ जाएंगे, न्यू ले लो आपकी कॉल है, आप अपनी रिग बहुत कम पैसों बना सकते हो और ROI बहुत अच्छा। बेस्ट पार्ट ये है हमारे पास सब चीज के बॉक्सेस हैं, शिपिंग भी करनी होती है तो सेफली सामान पहुंचेगा आपके पास। हाँ आई थिंक ये जो है ना बहुत बढ़िया लगा मेरे को, आप खुद देखो खुद कैलकुलेट कर लो, 12,500 में 6 राइजर के साथ मिल जाएगा, एक पावर सप्लाई आप ले लो 7-8,000 की, 750 वॉट दो ले लो, तो आई थिंक आपके 6 कार्ड बड़े आराम से चल जाएंगे। सो गाइस ये हो गए बोर्ड पावर सप्लाई। एंड इसके बाद एक ऑप्शन और मिलता है, देखो ये तो राइजर वाले बोर्ड थे, राइजर लेस बोर्ड भी आता है। एंड भैया बताएंगे थोड़ा इसके बारे में, भैया पहले आप अपने बारे में बता दीजिए फिर इसके बारे में बताइए। आदित्य भाई आप जानते ही हो मैं सचिन हूँ, मेरी फर्म है बोल्ट इंटरप्राइजेस एंड हम आपका राइजरलेस मदरबोर्ड, सर्वर पावर सप्लाई एंड सर्वर केस, ये हमारी मेन USP है जो कि हम अभी इंडिया में हमारे अलावा कोई नहीं सेल करता, पूरा B2B एंड B2C ठीक है, ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। कुछ लोकेशन है जहाँ पे आप आके सेल्फ पिकअप कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी कार्ड्स लाके टेस्ट करके फिर ले जा सकते हो। अच्छा टेस्ट करके भी लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, ये 3 लोकेशन है, आप आके टेस्ट करके ले जा सकते हो। ओके सैटिस्फाइड हो गए, ये आपका कॉम्बो है पूरा, ठीक है, पूरा मेड इन इंडिया है। और हम ही बनाते हैं ये जो केस है जी। अच्छा लोगों को मैं बता दूं, वैसे आप वीडियो में नहीं आते हो बट गाइज अगर आप जानते हो मैंने 2-3 वीडियो इनके साथ बने, मतलब इनके साथ इनका एक पार्टनर है, भाई कह लो आप एक तरह से, कार्तिक भैया उनका नाम है, तो वो आते हैं वीडियो में, ये ज्यादातर बैक एंड में रहते हैं। आप अगर कहीं भी ये जो इनका सर्वर के ऐसा बोर्ड लेते हो नेहरू प्लेस में तो प्रोबेबिलिटी चांस है कि इन्हीं के पास से गया होगा। प्रोबेबिलिटी चांस भी नहीं है, वो 100% आपके ही होते हैं। अब यहाँ पर किसी भी दुकान को ले लो नेहरू प्लेस में, जितनी दुकान कवर करी है और जो भी दिखाते हैं वो इनके पास से गया होता है जी। बस तो मतलब इनके पास दुकान से लेने से अच्छा इनसे ले लो, इनके पास रेट अच्छा मिल जाएगा। कॉम्बो पे डिस्काउंट देते हैं और डेफिनेटली कोई अगर अपनी रिग अपग्रेड कर रहा है उसकी भी हेल्प आउट करते हैं, वो अपने कार्ड लाए टेस्ट करके सेटिस्फाइड हो तब लेके जाए, ऐसा नहीं कि हम दे ही रहे हैं कि भैया लो ही इसको, शिफ्ट ही हो जाओ, अगर आप सेटिस्फाइड हो देन लो। ओके तो बाकी भैया इसमें बताइए कौन कौन सी चीजें मिलती है और क्या मिलती है? इसमें एक 8 स्लॉट का राइजरलेस मदरबोर्ड रहता है, 8 स्लॉट का राइजरलेस। और लोगों का क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि ये कॉम्बो के साथ आता है, भैया मदरबोर्ड हमेशा कॉम्बो के साथ आएगा विद रैम एंड विद प्रोसेसर एंड CPU फैन, वो 16,000 का पड़ता है एंड आपकी 16,000 का पूरा बोर्ड है जिसके अंदर रैम प्रोसेसर इंक्लूड है। यस और आपका 2500 वॉट की पावर सप्लाई रहती है, 2500 वॉट की पावर सप्लाई रहती है और इसकी भी कॉस्ट 16,000 है, 16,000 हाँ, और केस की कॉस्ट 8,500 है, 4 पंखे होते हैं इसमें, ठीक है ना, फ्रंट की साइड एंड पूरा जो कॉम्बो है वो 40,000 का 40,000 का हो जाता है
बट हम जैसे बाहर के कस्टमर्स हैं उनके लिए शिपिंग फ्री कर देते हैं, शिपिंग फ्री कर देते 40,500। शिपिंग में भी थोड़ा सा टूटने डैमेज का कोई दिक्कत नहीं आती। इसका भी मैं बताता हूँ, लोगों का मेजर क्वेश्चन रहता है कि भैया आप कैसे शिप करोगे, कोई डैमेज तो हुआ होगा, डिलीवरी वाले फैक्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, उसके लिए हमारे बॉक्स है, हम इसमें शिप करते हैं, ठीक है। ओके, मतलब बबल रैप लगा के आप अच्छे से देने वाले हो, अंदर इनफैक्ट फोम भी है तो उससे वेल प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब बाहर भी है अंदर भी है। हाँ, और तो शिपिंग में कुछ भी डैमेज रहता है वो हमारी हेडेक है, वो हम बियर करेंगे। ओके, मतलब वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है अगर कुछ भी कोई भी डैमेज अगर होता है। कस्टमर को कुछ नहीं करना, जैसे ही डिलीवर हुआ उसकी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना लेनी है, दैट्स इट। अगर उसको लगता है कि भैया कुछ भी कमी है, वी आर रेडी टू रिप्लेस। अच्छा गाइस देखो, कुछ लोग यहाँ पर पूछ लेंगे ना कि भैया ये ऐसे 40 का है वो तो सस्ता पड़ रहा है। भाई देखो, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, वो न्यू है बिल्कुल, 1 ईयर वारंटी है, वो यूज है, अच्छा वो भी है, अगर यूज में अगर लेना चाहे तो वो और अच्छा पड़ जाएगा। कुछ लोग होते हैं उनको बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम बजट स्पेंड करना होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर दैट, यूज के साथ जा सकते हैं। जिनके फैमिली में या जो सही नहीं मानते सेकंड हैंड चीजों को, वो न्यू में इस पर जा सकते हैं। और अगर कंपैरिजन देखना हो कि B450 स्टील लेजेंड के साथ और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, वो B450 वगैरह जितने भी मदरबोर्ड हैं, दे आर ऑल गेमिंग मदरबोर्ड, गेमिंग के लिए बने या उस पर्पस के लिए बने हैं। दैट H110 मदरबोर्ड माइनिंग के लिए बना होता, माना उसके बायस में माइनिंग के ऑप्शन है, अगर वो माइनिंग मदरबोर्ड ही बना होता तो उसमें अपने को ऐसा कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, चेंज नहीं करनी पड़ती 6 कार्ड चलाने को। वो बाय डिफॉल्ट बस बॉक्स से निकाला, 6 कार्ड लगा, चल जाने चाहिए। हाँ, इसमें होता है, इसमें डिफॉल्ट होता है, लगाओ चलाओ। अच्छा, और कमाल की चीज बताता हूँ, अगर आप हाइव चला रहे हो, ठीक है, हाइव में क्या होता है कि कई सारे कार्ड होते हैं, आपने 12 कार्ड की रेक बना दी, ठीक है, कई सारे कार्ड आ गए, आप पता नहीं लगा सकते कि फर्स्ट कार्ड कौन सा है, सिक्स कार्ड कौन सा है। इसमें बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो अगर किसी कार्ड में इशू है तो बड़ा इजी होता है। अगर सेकंड कार्ड में इशू है, उसके फैंस नहीं चल रहे, उसमें 0-0 शो कर रखा है, तो आपको पता है 0-1-2 ये वाला कार्ड में दिक्कत है। ओके जी, बाकी गाइस फिर भी डिफरेंस देखना हो कि क्यों सजेस्ट यहाँ पर करा जा रहा है कि न्यू में इसके पास जाइए, तो ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं, सबसे पहले जो वीडियोस के अंदर कैलकुलेशन है आप उसको जाकर देख लीजिए, टाइमलाइन में नीचे चले जाना, आई थिंक वो जो हमने पार्ट कवर कराया ना वो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा, वहाँ पर एक कैलकुलेशन करके दिखाई है, तो वो ज़रूर देखें। अगर आप इसकी तरफ थोड़ा डाउट में या सोच रहे हो तो ये भी आप ले सकते हो। और बाकी भैया काफ़ी अच्छा लगा, आप दिल्ली में रहते हो जी, तो वहां से अगर आप मिल के लेना चाहो वहां पर भी ले सकते हो। हैदराबाद में भैया रहते हैं, भैया हमेशा स्टॉक रेडी रहता है। हैदराबाद, पांडिचेरी, दिल्ली, हम तीनों का कोऑर्डिनेशन है। हाँ, से पे भी पिकअप करना चाहते हो, हम पिकअप भी करवा देंगे यार। आपके मन की तसल्ली चाहिए हमें, ये नहीं कि आप पेमेंट डाल दो, और अगर हम उसी सिटी में तो बेस्ट ना पिकअप कर लो, ठीक है। सो गाइस ये सारी चीजें यहाँ पर वीडियो में कवर करी है, पावर सप्लाई एंड बोर्ड, सर्वर केसेस, राइजरलेस बोर्ड, एंड भैया का नाम है हर्ष भैया, हर्ष का मतलब है क्वालिटी चीज़। आप देख लो पावर सप्लाई बिल्कुल न्यू लगेगी यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप खरीदो यहाँ से, काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके सारे काम की चीज़ें मिल जाएगी, नंबर मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप व्हाट्सअप करने का ट्राई करना, कोशिश करना कि कॉल ना करें, व्हाट्सअप पर आप क्वेरी डाल देना, एंड इनका चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करिए, सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट चीजेस ये डालते रहते हैं वहाँ पर, कार्ड वार्ड पावर सप्लाई जो मतलब बेस्ट प्राइसेस रहते हैं। और अगर आपने मेरा फार्म देखा है और आपको कुछ और जानना हो तो आप मेरे चैनल पे आइए, मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे कि हर एक के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँ। ओके, बाकी थैंक यू भैया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए यार, आप इतने बिजी है, ऑल ओवर इंडिया कवर कर रहे हैं और आप इतना दूर आए हैं, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू सचिन भैया।